मलबे के नीचे अपनी पेशाब पीकर जिंदा रहा युवक 94 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। जहां तुर्की और सीरिया के बाद मलबे के ढेर से जिंदगियों को निकाले जाने का काम जारी है। इस भूकंप में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। यूं तो अब लोगों को बचाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी चमत्कार से कोई इनकार नहीं कर सकता। 17 साल का एक युवक मौत को मात देकर जिंदा निकल आया है और 17 साल का एक युवक ने अपनी बहादुरी की एक मिसाल पेश की है। उन्हें 94 घंटे बाद मलबे से सुरक्षित निकाला गया। एक अपार्टमेंट के मलबे से जब उन्हें निकाला गया तो उनके शब्द थे, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था, हर कोई हैरान था। अदनान ने बताया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें पेशाब पीनी पड़ी। अदनान को जब मलबे से निकाला गया तो राहत कर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं था।